आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन को लेकर। वैसे तो सभी को मालूम है कि ऋतिक रोशन अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है अपनी र्यूमर गर्लफ्रेंड सबा आजाद को लेकर। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर बात अब सामने आ चुकी है कि रोशन परिवार की बहू बनने वाली है सबा आजाद, क्योंकि इस बात को लेकर कुछ भी नहीं कहते नजर आए ऋतिक रोशन। लेकिन जिस तरीके से बार बार उनका साथ में स्पॉट होना और इसके साथ साथ सबा आजाद का रोशन परिवार के साथ डिनर डेट पे जाना काफी कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ बता देते हैं कि ऋतिक रोशन अब डाइवोर्स्ड है। उनकी जो वाइफ थी सुजैन खान, वो किसी और को डेट कर रही है और उसके बाद ये दोनों अलग रहते हैं। लेकिन जहाँ बच्चों की बात आती है वहाँ हमेशा दोनों साथ नजर आते हैं। ये बात तो रही थी उनकी पास्ट लाइफ को लेकर। लेकिन अगर सबा आजाद की बात की जाए तो सबसे पहले फोटो जो वायरल हुई थी वो कॉफी शॉप से बाहर निकलते हुए हुई थी, जब पेपराजी ने वहां पर फोटोज क्लिक की थी और उसको लेकर भी लगातार सवाल किए गए थे। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से हाथ पकड़कर ऋतिक रोशन सबा आजाद को ले जाते हुए नजर आ रहे। लेकिन हम आपको लेटेस्ट अपडेट भी दे दें कि ऋतिक सबा के लिए बहुत ज्यादा सीरियस नजर आते हैं और वे अपने रिश्ते को आगे ले जाना भी चाहते हैं, जिस तरीके की लगातार सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता रहे कि दोनों हमेशा साथ में खुश ही नजर आते हैं और एक दूसरे को ज्यादा जानने के लिए काफी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो क्या इन सारी बातों को सुनकर आपको भी यही लगता है कि क्या अब जो नेक्स्ट पारी होगी या फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो यहाँ पर सबा आजाद रोशन परिवार की बहू बनती हुई नजर आएगी? कितनी एक्साइटमेंट रहेगी इस चीज को लेकर वो तो जरूर बताएगा। लेकिन एक बात और आपको कह देते हैं कि ऋतिक रोशन जल्दी नहीं करना चाहते, वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। कि जैसे उन्होंने सुजैन खान के साथ किया कि फटाफट शादी कर ली, लेकिन वो यहाँ पर सबा आजाद को समझ के और फिर एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। लेकिन आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।